नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान में। प्रिय दर्शकों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेके हम हाजिर हुए हैं। प्रिय दर्शकों, आज का जो प्रसंग है, आज की जो कहानी है, बड़ी पौराणिक कथा है, बड़ी पौराणिक कहानी है। प्रिय दर्शकों, आज की इस कहानी में आप जानेंगे कि इंद्र और चंद्रमा ने ऋषि गौतम की पत्नी के साथ, अहिल्या के साथ, शारीरिक संबंध क्यों बनाए थे। प्रिय दर्शकों, इसी कारण से इंद्र के शरीर में हजारों लाखों योनियां उत्पन्न हो गई थी। प्रिय दर्शकों, ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है और बड़ी ज्ञानवर्धक भी है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। कहानी शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं, वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें, ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और प्रिय दर्शकों आप उसका फायदा उठा सकें। शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों आज की प्यारी सी कहानी, ये प्यारी सी कथा। प्रिय दर्शकों, पौराणिक कहानियों के अनुसार इंद्र के शरीर पर कई लाखों योनियों का जिक्र मिलता है। कहा जाता है कि ऋषि गौतम के श्राप के कारण इंद्र के पूरे शरीर पर योनियां उभर आई थी, जो बाद में आंखों में बदल गई। जब गौतम ऋषि ने इंद्र को श्राप दिया, उस समय इंद्र के शरीर पर हजारों लाखों योनियाई योनिहा बन गई थी, लेकिन बाद में वो आंखों में बदल गई थी। पौराणिक कहानियां, पौराणिक स्वर्ग लोग में इंद्र का वास है। इंद्र के चारों ओर कई सुंदर अप्सराएं, कई सारी अप्सराएं मंडराती रहती हैं और इनके साथ काम क्रीड़ा करते रहते हैं। इंद्र को देवराज भी कहा जाता है, यानी देव का देव कहा जाता है। फिर भी इंद्र की पूजा नहीं की जाती है, इसके कई कारण हैं। इंद्र कभी खुद को काम वासना से मुक्त नहीं कर पाए। पुराणों में इंद्र के शरीर पर ढेर सारी आंखें होने का जिक्र मिलता है, ढेर सारी योनियां होने का भी जिक्र मिलता है। कहते हैं कि एक बार इंद्र ने महान ऋषि गौतम की पत्नी अहिल्या के साथ धोखे से संबंध बनाए थे। जब ऋषि को इस बात का पता चला तो उन्होंने इंद्र को श्राप दे दिया, जिसके कारण उसके शरीर पर हजारों योनियां उभर आई थी। इसके बाद ये योनियां आंखों में बदल गई। प्रिय दर्शकों, हमारे हिंदू धर्म के पुराने शास्त्र ब्रह्मव्रत और ब्रह्म पुराण के मुताबिक एक बार इंद्र भ्रमण करने निकले, आसमान से उनकी नजर जंगल में बने एक ऋषि की कुटिया पर पड़ी। उस कुटिया में उन्होंने एक बहुत ही सुंदर स्त्री को देखा। इंद्र उस महिला को देखकर मोहित हो गए, उनसे रहा नहीं गया। प्रिय दर्शकों, ये कुटिया महान तपस्वी गौतम ऋषि की थी, जिनकी पत्नी को देखकर इंद्र मोहित हो गए थे। वो गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या थी। वैसे तो इंद्र के देवलोक में कई खूबसूरत अप्सराएं रहती थी। वे जब भी चाहते, जब किसी भी अप्सरा के साथ सहवास कर लेते थे, मगर अहिल्या की सुंदरता उन्हें भा गई। इंद्र अहिल्या के साथ संबंध बनाने की तरकीब सोचने लगे। उन्होंने अहिल्या के पति गौतम ऋषि की दिनचर्या पर नजर रखना शुरू की। गौतम ऋषि रोजाना भोर होने से पहले जग जाते और अपने नित्य क्रम निपटाने के लिए गंगा नदी किनारे जाते। वहां पे 2-3 घंटे का समय बिताकर फिर कुटिया में आते थे। इंद्र ने इसी मौके का फायदा उठाने की योजना बनाई। एक रात जब गौतम ऋषि और अहिल्या सो गए, फिर कुछ समय बाद इंद्र ने अपनी शक्ति से भोर होने का कृत्रिम आवरण बना लिया। ऋषि गौतम को लगा कि सुबह होने को है, वे रोजाना की तरह उठ गए और नित्य कर्म के लिए निकल पड़े। उसके बाद देवराज इंद्र ने गौतम ऋषि का वेश धारण कर कुटिया में प्रवेश किया। अहिल्या को लगा कि उनके पति नित्य क्रम से निपट कर आ गए हैं। फिर इंद्र ने गौतम ऋषि के वेश में अहिल्या से प्यार भरी बातें की और उनके साथ संबंध बना लिए। दूसरी ओर जब ऋषि नदी किनारे पहुंचे तो वहां के जनजीवन को देखकर उन्हें आभास हो गया कि किसी ने धोखे से सुबह होने का आवरण बनाया है। वे तुरंत अपनी कुटिया में पहुंचे, जहां उनके बेस में इंद्र उनकी पत्नी अहिल्या के साथ सोए हुए थे। ये सब कुछ गौतम ऋषि अपनी आंखों से देखकर आग बबूला हो गए। उन्होंने अपनी पत्नी अहिल्या को फतरका बनने का श्राप दिया। वहीं
काम वासना के मोह में गिरे इंद्र को भी श्राप दिया कि उनके शरीर पर हजारों योनियां उगाएंगी। वे जाकर भी किसी स्त्री के साथ संबंध नहीं बना पाएंगे। देखते ही देखते इंद्र के पूरे शरीर पर योनियां उभर आई। इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने गौतम ऋषि से क्षमा याचना की। ऋषि ने इंद्र को माफ कर दिया, लेकिन कहा कि एक बार श्राप दे दिया, इसीलिए वापस नहीं हो सकता। हालांकि ऋषि गौतम ने कहा कि इंद्र के शरीर पर उभरी ये योनियां आंखों में बदल जाएंगी। इसी वजह से इंद्र के पूरे शरीर पर आंखें ही आंखें हो गई थी। दूसरी तरफ अहिल्या ने भी गौतम ऋषि से कहा कि उन्हें बिल्कुल भी ये एहसास नहीं हुआ कि उनके भेष में कोई और शख्स उनके साथ सोया हुआ है। इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी, उनके मन में छल की कोई भावना नहीं थी। गौतम ऋषि ने अहिल्या को वरदान दिया कि कालांतर में भगवान विष्णु का अवतार तुम्हारे पास आएंगे और उनके छूने से तुम फिर से पहले जैसी बन जाओगी। सालों बाद जब भगवान श्री हरि विष्णु श्री राम के अवतार में धरती पर जन्म लेते हैं, जब राम ने ही बाद में अहिल्या को छूकर उनके श्राप से मुक्त किया था। प्रिय दर्शकों, ये कहानी बड़ी पौराणिक है। इसी वजह से इंद्र के शरीर पर हजारों योनियां उत्पन्न हो गई थी। प्रिय दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि आज की ये छोटी सी कहानी आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी और इस कहानी से आप ढेर सारे लाभ उठाएंगे। मिलते हैं प्रिय दर्शकों आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। जी नमस्कार, धन्यवाद।